बोलती है कि पांडे से शादी करो, बोली है ना? उससे भी बोली है। अच्छा उसे भी बोली है? क्यों ऐसा बोली है? क्यों बोली है ऐसा? कि वो बीमार रहती है। बीमार रहती है? तुमको नहीं लगा कि तुम्हें बुढ़ा से शादी करोगी? तो नहीं लगा कि 11 साल की तुम बच्ची हो, तुम खाना बनाएगी, पिलाएगी, खिलाएगी, उड़ाएगी, क्या होता है? एक मिनट ये बताओ बाबू, तुम बोली हो कि हम उसी के साथ रहेंगे, 18 साल का हो जाएंगे तो हम उसके पास चले जाएंगे, क्या बात ये सही है? जाओगी उसके पास? तो कल क्यों बोली हो? तब बोल रही थी कि जाएंगे उसके पास। अपना बयान कहाँ चेंज कर रही हो? पागल हो गई तुम? चेंज कर रही हो अपना? कोई प्रेशर है, कोई दबाव है, धमकी दिया है तुमको? मम्मी पैसा ली है? हाँ। अच्छा एक चीज बताओ, तुम्हारी मम्मी तुमको पैसा लेके बेची है वहाँ पे? वो पैसा तुम तुम्हारी मम्मी को हमेशा देता था क्या हर महीने? क्यों बोल? और कब कब आता था? कभी नहीं आता। तो तुम्हारा से संपर्क उससे कैसे हो गया तुम्हारा? तो घर पे आया था, मम्मी नंबर मांगी तो। अच्छा घर पे आया तो तुमसे कुछ बोल रहा था वो? नहीं, पापा से और मम्मी से बोल कर ले गया कि इसको बेटी बना कर ले जाएंगे। अच्छा उठा के लगा चल गया? कितने दिन शोषण किया? कितने दिन शोषण किया? तुम्हारे साथ, गलत भी किया है, गलत काम भी किया है तुम्हारे साथ? एक दिन में रखा है तुमको, गलत काम भी किया है? देखिए लड़के, हाँ बोलिए। तीन महीना कितना दिन से तुम वहाँ उसके साथ हो? अभी कहाँ कहाँ लेके गया था तुमको? कहाँ कहाँ लेकर गया था? रघुनाथ लेके गया था, और आपसे जबरदस्ती भी कर रहा था, घर पर भी लेके गया था। तुमको क्या सपना दिखाया था, जोर जोर घुमा रहा था, क्या कह के तुमको फुसलाया था शादी करने के लिए? कौन बेच देंगे? अच्छा तुम किस क्लास में पढ़ती हो ये बताओ तो। बेची है? नहीं, बोल रहा था कि आपकी मम्मी दूसरे से बेचने जा रही है। अच्छा आपको ऐसे बोलकर आपको लेके गया? लेकर नहीं गया, वहाँ पे चला गया तब बताया। अच्छा तुमको उसमें क्या दिखा कि तुम उससे शादी कर रही? क्यों उससे शादी की? और लड़का भी तो तुमको मिल जाता, लेकिन उससे ही शादी क्यों की? क्यों की? काहे की उससे शादी? बताओ, दो बच्चा का पिता है, उससे तुम क्यों शादी की हो? अभी तुम क्या चाहती हो? उसको सजा होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। तुम्हारे माँ पापा का भी गलती है इसमें? नहीं, वो लोग जिंदगी नहीं बर्बाद किया है? तो वो लोग तो जिंदगी बर्बाद कैसे किया है? कैसे किया है? तू की भागे, तू क्यों भागे? तुम उससे प्यार भी की थी? हाँ? प्यार की थी उसे? अच्छा ये बताओ, पांडे से प्यार की थी? हाँ? छोड़िए, रहने दिए वो काम। आप लोगों को खांसी हो जाएगा, ठीक है? आप लोग बताएंगे, ये बात बताएंगे, लड़की बताएगी। तुम उसे प्यार भी की थी? अच्छा मेडिकल जांच हुआ है तुम्हारा? रुकिए ना, पांडे से तुम प्यार की थी? हमको नहीं पता है। नहीं पता है तो फिर कैसे डेढ़ महीने रह गई साथ में? तुमको विरोध नहीं करना चाहिए, बोला नहीं चाहिए माँ पिता से? बोली हो, बताई हो? तुम्हारे माता पिता ही फंस रहा है, पूरा जिंदगी बर्बाद हो गया, पूरा समाज गंदगी फैल रहा है, तुम लोग समझ रहा है? तू अपने मजा के वजह से बहन जी पूरा सारा लगा दी परिवार की, और उसके बाद तुम्हारा भी तीसरे शादी करवा दी। देखिए ऐसे ऐसे लोग हैं ना, समाज को गंदा कर रहे हैं, और लड़की है नादान है, क्या समझ रही है, कौन क्या सिखा रहा है, क्या पढ़ा रहा है? और तुम अपना बयान क्यों बदल रही हो? कल बोल रही थी, तुम बोल रही थी कि उसके साथ ही रहना है, उसके साथ रहना है, उसको जेल से बाहर भी निकले, क्यों बोल रही थी? कल बोली है तुम? बोल रही थी वीडियो में, बोलिए 18 साल के हो जाएंगे तो उसके साथ ही जाएंगे। हां तुम बोल रही हो कि 18 साल के हो जाएंगे तो उसके साथ रहेंगे, शादी ब्याह क्या चीज है उसके अंदर? तुम देखियो क्या देखियो उसके अंदर, क्या देखियो? वीडियो झूठ बोलेगा, तू बोल रही है नहीं नहीं बोले हैं तो वीडियो झूठ बोलेगा। तुमसे क्या बोल रहा था? तुम्हें बयान बदल रही हो बार बार, निकला अभी था साथ में, कुछ कह रहा था तुमसे, धमकी दे रहा था आपको, अभी जेल में है, तुम क्या चाहती हो, जेल से बाहर निकले कि जेल में रहे? जेल में रहा कि जेल से बाहर निकले? जेल ही में रहा है। देख सकते हैं दोस्तों, अभी जो लड़की है इनका अभी दिमाग धीरे धीरे खुल रहा है, अब बच्ची है, कितना एज भी है, और कुछ पूछना है? सभी लोग बोल रहे हैं तुम्हारा 11 साल का है, तुम कितना साल का है? सभी लोग कह रहे हैं कि तुम 11 साल की हो, कितने साल की हो? 12 साल चल रहा है। पढ़ती हो? किस क्लास में पढ़ती हो? ठीक से पढ़ती हो? आगे क्या बोलना है? आगे तुमको कहाँ रहना है? यहाँ पर रहना है कि पांडे के घर पर रहना है? यहीं पर रहना है, आगे फिर जाकर भागेंगे नहीं ना? ऐसे नहीं कहेंगे कि उसी साथ रहेंगे, उसी साथ खाएंगे पिएंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, वही पढ़ाएंगे, और चढ़कर खुद बयान चेंज करते क्या हो? लग रहा था कि उसके साथ जाकर रह रही थी बुढ़ा के साथ? बताओ बुढ़ा के साथ पुलिस बनने वाला लड़की?
बुला नहीं लग रहा था बुढ़ा था तुम कह रहे थे रहेंगे उसी के साथ, देख मैंने रह गई है अब बाप बताएंगे तो फोन की थी जब उससे शादी किया तुम से बताओ नहीं था तो दूसरे किसी नहीं कहना चाहिए कि मेरे साथ ऐसा ऐसा कर रहा है शादी करने जा रहा बुढ़ा व्यक्ति है तुम बोलियो हमारी से गंदा ना हो रहा है ठीक है तुम बची हो तो बाप बताइए भी तो समझ दिमाग है ना कि बाप बताइए से आके बोले जबरदस्ती कर रहा है शादी करने जा रहा है कह रहा है कि तुम्हारे बाप मतारी बेच देगा तुम बोलिए आके तुम्हारे में गलती नहीं है और देखिए यहाँ पर इनकी माँ इनसे बातचीत करते हैं सब पीछे जाइएगा तब ना आगे बढ़िया सब कुछ हमारा छोड़ के मरो पीछे करिए आप इधर घूमिए इधर पीछे जाइए कौन बिया किया है महेंद्र पांडे बिया किया है तो बेची है अभी ना आप ही ने बेची हो बेचे नहीं है सर हाँ अपना लगे कोई कभी जिंदगी में नहीं बेचा है तो पैसा तो वो कह रहा है बार बार कि पैसा आप नहीं है झूठ बोला है और खाने पीने का खुशी में आता है इसको दे देता पैसा देता है इतना पैसा ला है वो तो कह रहा है कि 50,000 उसको दिए हैं पैसा वो तो कह रही आगे देखा बेचना की कितना देले बारे पैसा बोले धोल थोड़ा हुई पैसा खर्चा कर देलो बुतो 1 रुपया लगन देले बेटी बताई थी आपसे कि शादी कर रहा है हमसे नहीं बताई थी आप लोग डेम ने से कहा थे खोज नहीं थी आपने बेटी को गई है उसके बिहार वाले हम कागज दिए लिख के आपकी बेटी के कब शादी किया अब हमको पता नहीं कि कब शादी किया अच्छा वो तो रुआ कहते कि शादी हमने की पता वो बोल रहा है कि शादी हमको पता है वो खुद लेके आई है शादी के दिन हमसे शादी करवाई है वो खुद कह रहा है कि माँ उसकी शादी करवाई है कुछ नहीं जाता है उसका मेहरारू शादी करवाई उसका उसका मेहरारू भी बोल रहे थे जो उसके उसकी माँ आई थी इधर पीछे से लाके छोड़ दी है छोड़ के चली गई है सब झूठ बात है ठीक है सारा झूठ बोल रहा है कि आप मेरा बेटा निकल जाए अच्छा झूठ बोल रही है आपकी बेटी का एज कितना है बेटी तो 11-12 साल के बारे 11-12 साल की है हम शुरू में बेटी लेकर भाग गए हम गई घरे मैंने कहीं से लेके आए हुई पांडे के पत्नी किला को बेच दी है नहीं नहीं सब झूठ बोल रही बेची है सब झूठ बोल रही है खुद कराई है कौन नहीं हम कहीं हमारा बेटी से कभी जिंदगी आप अपने बेटी को उसके साथ क्या भेजे भेजे नहीं है हम तो जाने की चल बजी जूती गिर के हमको आ जाएगा और अपना घर चल जाएगा हम अपने मारो आ जाएंगे आए तो हम चार को हमार लड़की और मेहरारू और दू गो लड़का ले लेबा तो हम बताइए हम क्या घर पहुँच जाए अच्छा खुद वो मेहरा रूपिया ओकर लड़का बा दुगो आपको समझना चाहिए कि आपकी बड़ी बेटी उतनी बड़ी है तो ठीक है तो क्या छोड़ दिए कोनो दूर पर मारो कोई चलो हम पैदल के चले इधर गाड़ी से बानी तो कोई रख थक तो हम चलते नहीं अब हम तो ना चल के बात छोड़ काहे अपनी बेटी काहे छोड़े अकेले छोड़ छोड़ बानी ओकर मारो खुद साथ में भी बेटी बराबर उसके मेहरा से आपको क्या करना है तो कोनी के थक मारो तुम चलते नहीं हम ना बहाना बना रहे हैं आप लोग बहाने में आप भी इसमें शामिल है अपनी बेटी का जिंदगी बर्बाद कर दी है पांडे मिलकर आप मिलकर अपने बेटी का जिंदगी बर्बाद कर दिया घर आओ घर आओ तो घर से चला कोई बुलाएगा तो आप अपनी बेटी को घर भेज दीजिएगा तो अकेले थोड़े भेज दी घर है चल भाई घर से उसके पत्नी बाप कैसे विश्वास कर ली कि आपको वो लेकर लेकर चले आएगी लेकर चलो खुद लेकर मोबाइल फोन कर देगा कि मामा हमारे मम्मी के बात करो तो हम कहीं जाए हमें से करो ना बताओ ना मेहरारू ना ये बताले भी ना वो बताले कुछ पूछना है पूछिए उल्टा कहाँ लेता रहो मारो हमारा रहे के बाद मारो हम अपना खोले जाए तो उल्टा कहाँ लेकर जाता रहो अच्छा आप बताइए कि आपको पता चला कि आपका लड़की आपके लड़की से शादी कर लेता आप थाने में कहे नहीं एफ आई आर करवाई
हमको पता चला, अब पता चला था रिफाइन करो नहीं। हाँ मतलब शादी हुआ दो महीना हो गया आपका, आज पता चल रहा है। हाँ तो मोबाइल पर कर गाँव समाज के लोग आपको क्या बोल रहे हैं? गाँव समाज वाले भी आपका गाँव समाज में नहीं बोला कि मेरे बेटे से शादी कर लिया है जो कि कम एज की लड़की है? पापा का तो खुद मोबाइल पे भेज, तब हमको पता चला। ठीक बा, मोबाइल न आता है न जाता है, मोबाइल कर रहा है कि अपनी लड़की को भेज दिए। नहीं सर, झूठ बात तो बोले कि आपका सपोर्ट है और नहीं नहीं कुछ नहीं, वो जब मन जानता है कि घर से भाग जा सर। ठीक है, मोबाइल भी तैयार। पांडे के को शादी हुआ है? जेल में क्या चाहती है? क्या चाहती है? खुश है? हम खुश है, अब उसी में रहे जितना दिन रहना है उसी में रहो। खुश है? आप क्या चाहती है? अभी आपने अपना लड़की का जीवन बर्बाद कर दिया, आगे चलकर किसी लड़के से शादी कर पाएगी?